मुंबई में आए दिन झोपड़पट्टी टूटती ही रहती है, हजारों घर बेघर हो जाते हैं, उन घरों में छोटे छोटे बच्चों भी होते हैं, उनका स्कूल का नुकसान होता है, उनके घर टूटने के वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं और इसके ऊपर सरकार भी ध्यान नहीं देती है। और क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपके झोपड़े टूटने के बाद? अभी हमारे बाल बच्चे के स्कूल की मुश्किलें हो रही है, हमारे बाल बच्चे को कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, नहाने का पानी नहीं, पीने का पानी नहीं, बाल बच्चे को कहाँ रखेंगे, कहाँ सुलाएंगे। डेमोलिशन होना मुंबई में एक आम बात है, उस बात का असर बच्चों के पढ़ाई के ऊपर पड़ता है। जब उनका घर टूटता है तो मानसिक रूप से तनाव में पड़ जाते हैं और ऐसे में उनकी पढ़ाई छूट जाए तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। बेटा आप स्कूल जाते हो, तो आप क्यों नहीं गए आज? मम्मी नहीं भेजी थी इसीलिए। क्यों नहीं भेज रही थी मम्मी? झोपड़ा टूटे ना है इसके लिए। आप कितने दिनों से स्कूल नहीं गए? बहुत दिन से, 7 दिन। बेटा आप स्कूल जाते हो? आज क्यों नहीं गए स्कूल? गाड़ी आने वाले है। कल गाड़ी आने वाले है। काय की गाड़ी? बुलडोजर। काय का बुलडोजर? झोपड़ी तोड़ने वाला। मैं चाहता हूँ कि ऐसे नियम कानून बने जिससे गैर कानूनी बस्ती बसे ना और डेमोल्यूशन की नौबत ना आए। डेमोल्यूशन के बाद होने वाले जो भी बदलाव मानसिक, आर्थिक, सामाजिक बदलावों से बच्चे बच सके और अपने अच्छे भविष्य के लिए अच्छी पढ़ाई कर सके। मुंबई से अमोल लालझरे, इंडिया अनहर्ड के लिए।